हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे कि एमएस सक्सेस में यदि हमको कोई फॉर्म बनाना है और फॉर्म के बाद से बटन बनाना, कैसे हम बटन बनाते हैं। क्योंकि ध्यान दीजिए, पिछली क्लास में वो फॉर्म बनाना बताए थे, कैसे फॉर्म बनाते हैं, आया समझे ना। उसके बिल्कुल सिंपल प्रोसेस बताए थे कि सबसे पहले आपको आना हो किस टाइप में, क्रिएट में, और क्रिएट में आने के बाद से आपको आ जाना हो किस में, फॉर्म पे या फॉर्म डिजाइन, आ रहा समझे ना। हाँ, फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो बना बना हुआ फॉर्म आपको मिलेगा, ये आप लोग पढ़े थे ना। और यदि आप ब्लैंक फॉर्म पे क्लिक करेंगे या फिर फॉर्म डिजाइन पे, तो आप अपने हिसाब से फील्ड लेकर के उसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ये हम लोग पढ़े थे ना, इतना हो जाएगा ना। हाँ, यही जब हम फॉर्म बना ली, लगभग जो पिछली क्लास में लोग फॉर्म बनाए थे उसको हम ओपन कर लेते, इसी को हम डिजाइन किए थे ना। अब डिजाइन करने के बाद से ही सिम ये है कि आपको बटन बनाना, क्या बनाना है, बटन, ताकि अगर जो हम लोग फॉर्म चेक करें तो फॉर्म में अगर जो नया बनाना है या फिर नेक्स्ट पे जाना है, प्रीवियस आना है, तो हम यही उस बटन को लेकर के काम कर सके, हमको अदर किसी ऑप्शन का यूज करने की आवश्यकता न हो, आ रहा समझे ना। उसके लिए बिल्कुल सिंपल है, डिजाइन तो करना ही है। तो आप लोग पहले से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जब भी डिजाइन करना होता है कुछ भी, हम डिजाइन व्यू में चले जाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा फॉर्म व्यू है, डाटा सीट व्यू करेंगे तो ऐसे दिखाई देगा, डाटा को हटा करके लेआउट करेंगे तो ऐसे दिखाई देगा, लेकिन चेंजिंग करना है तो किसमें आना होगा, डिजाइन। अब डिजाइन व्यू में सबसे पहले यहीं पे आपको कंट्रोल का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इसका ऑप्शन दिखाई दे रहा है, और इस कंट्रोल में देखिए सबसे पहले आपको सेलेक्ट टेक्स्ट, उसके बाद से आपको फिर टेक्स्ट लिखने के लिए लेबल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उसके बाद से आपको ऑप्शन दिखाई देगा किसका, बटन, उसके बाद किसका ऑप्शन दिखाई देगा। तो देखिए सबसे पहले हम सेलेक्ट का मतलब समझ लेते हैं, और बाय डिफॉल्ट रहता भी किस पर है, सेलेक्ट पर, क्योंकि जब ये सेलेक्ट पे रहेगा तभी हम किसी को सेलेक्ट करके साइज छोटा या बड़ा कर सकते, एक जगह से हटा किसी दूसरे जगह पे हम आसानी से रख सकते हैं। लेकिन कब, जब हमारा सेलेक्ट पे ऑप्शन रहेगा, टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे तो ऐसे आपको बॉक्स मिल जाएगा कुछ भी लिखने के लिए, हो जाएगा ना। अब इस बॉक्स में जो भी आप लिखेंगे, और यदि आप आ जाएंगे किसमें, फॉर्म भी में, तो बॉक्स आपको यहाँ पे दिखाई दे, टेक्स्ट आ गया है, अब आप जो भी यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आसानी से लिख सकते। दूसरी चीज, अगर जो इसी को हटा करके हम आगे ले लिए लेबल, तो लेबल भी आएगा, लेकिन ये कुछ शॉर्ट में ऐसे दिखाई देगा, दिख रहा है ना। और यही अगर हम आ जाएंगे फॉर्म व्यू में, तो ये लेबल आपको ऐसे दिखाई देगा बिना किसी बॉक्स, लेबल हो जाएगा ना। अब आपको ये नहीं समझ में आ रहा हो कि आखिर हम लोग इसका इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन फॉर्म बनाते हम लोग इसका इस्तेमाल कब करें, आ रहा समझ में ना। जैसे फॉर्म बनाते समय आप लोग देखते हैं प्रोप्राइटर या कुछ भी, सपोज करिए कि यहाँ पर आपको सिग्नेचर लगानी है पूरे फॉर्म पे, क्या लगाना है, सिग्नेचर लगा, तो सिग्नेचर का फोटो लगा देंगे, लेकिन क्या है, उसका नाम ऊपर होना चाहिए ना, तो पूरे पेज पे नाम चाहिए कि नहीं चाहिए, तब उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, लेबल का या तो टेक्स्ट बॉक्स। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ सिग्नेचर लगाना है तो हम लेबल ले लिए यहाँ ऐसे किए और यहाँ लिख देंगे सिग्नेचर, क्या लिख दिए, सिग्नेचर लिखने से आपको जहां रखना वहां लोकेशन सेलेक्ट कर लीजिएगा। और अब आ जाएंगे किसमें, सिग्नेचर दिखाई दे रहा है, नेक्स्ट करिए, किसी भी पेज पे जा रहे हो, ये चेंज हो रहा है क्या, इतना समझा रहा है ना। हाँ, बट एक चीज अगला हमको क्या करना है, इसमें बटन बनाना है, तो जब हमारे तीन पे आपको दिखाई दे रहा है क्या, बटन सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद जहां भी आपको बटन बनाना होगा ऐसे सेलेक्ट करके क्या कर लेंगे, बटन लिए, और बटन का ऐसे सेलेक्ट करके क्या कर लिए, देखिए अभी लेफ्ट वाला बटन होल्ड किए हैं, कोई ऑप्शन नहीं है ना। अब जैसे लेफ्ट वाला बटन हम छोड़ेंगे, अलग एक विंडो आ जा रहा है ना, अलग एक विंडो है। अब ये विंडो का काम क्या है कि आप ये बताइए, या फिर ये बटन है तो ये बटन किस चीज का काम करेगा, बटन का कोई फंक्शन देना होगा ना, वो बटन का फंक्शन देने के लिए जैसे हम बटन छोड़ेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा क्या, कमांड बटन विजार्ड,
जो बटन उसका क्या कमांड देना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ दिखाई देगा रिकॉर्ड नेविगेशन, रिकॉर्ड ऑपरेशन, रिकॉर्ड ऑपरेटर्स, फिर उसके आगे दिखाई देगा ऑपरेशंस, उसके नीचे दिखाई देगा रिपोर्ट के लिए, एप्लीकेशन के लिए, और उसके नीचे ये वाला दिखाई देगा। तो सबसे पहले हम शुरू से समझ लेते हैं, रिकॉर्ड नेविगेशन में देखिए क्या दिया है, फाइंड बटन बनाना चाहते हैं फाइंड नेक्स्ट का, तो आप ये सेलेक्ट करिए, फाइंड रिकॉर्ड, किस रिकॉर्ड को ढूंढना है तो ये सेलेक्ट करेंगे, गो टू फर्स्ट, सपोज करिए कि हमारे पास लगभग लगभग 100 रिपोर्ट है, 100 फॉर्म है, और अभी हम 40 नंबर पे हैं और बिल्कुल हमको पहले नंबर पे आना है, तो फिर किसका इस्तेमाल करेंगे, गो टू फर्स्ट, गो टू लास्ट, 100 रिकॉर्ड है 40 नंबर पे और बिल्कुल लास्ट 100 नंबर पे जाना चाहते हैं, तब किसका इस्तेमाल करेंगे, गो टू लास्ट, हो जाएगा ना। नेक्स्ट और प्रीवियस का मतलब तो आप लोग जानते ही हैं, नेक्स्ट करेंगे तो अगर जो 40 है तो 41 पे लेके जाएगा, 41 है तो 42 पे लेके जाएगा, और यदि प्रीवियस करेंगे तो 42 है तो 41, और 41 है तो 40, क्लियर हो रहा है ना। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं, एक क्रमवाइज बनाते हैं, सबसे पहले हम सेलेक्ट करें तो बिल्कुल पहले वाले रिकॉर्ड पे लेकर के हम सेलेक्ट कर ले क्या, गो टू फर्स्ट, इसको सेलेक्ट करके हम यहां से क्या करेंगे, नेक्स्ट, तब आपको दो ऑप्शन दिखाई देगा, कितना ऑप्शन, दो, क्या है, यदि आप चाहते हैं जो बटन रहे उस बटन पे लिखा हुआ है फाइंड रिकॉर्ड, ये फर्स्ट रिकॉर्ड, तो आप टेक्स्ट सेलेक्ट करिए, और यदि चाहते हैं उसका ऐसे आइकन दिखाई दे तब क्या सेलेक्ट करेंगे, पिक्चर, और यदि एरो चाहते हैं तो फिर एरो ले लीजिए, ऐसे ऊपर तरफ एरो दिखाई दे, दिख रहा है ना। तो आपको जो बेहतर लगे, आपको लग रहा है कि नहीं इस बटन के जगह पे हम अपना नाम लिखेंगे, जब कोई हमारे नाम पे क्लिक करेगा तो पहले वाले रिकॉर्ड पे आ जाएगा, 100 रिकॉर्ड है, 30 30 रिकॉर्ड पे है, 70 रिकॉर्ड पे है, तो क्लिक कर दो पहले वाले रिकॉर्ड पे आ जाए, हमारे नाम पे क्लिक करने, तो इसको हटा के अपना नाम टाइप करें, हो जाएगा ना। हाँ, उसके बाद से चाहते हैं नहीं इससे बेहतर हमारा इमेज रहेगा, पिक्चर, ऐसे आइकन दिखाई दे, ये तो एरो के लिए हो जाएगा ना, किसके लिए हो जाएगा, और हम चाहते नहीं गो टू फर्स्ट ये रख ले तो कुछ ऐसे आइकन दिखाई देगा, और यदि हम चाहते नहीं अपना फोटो लगाना चाहते हैं उसकी जगह पे, तब जैसे आप फर्स्ट वाले पे आएंगे तो आपको दिखाई देगा क्या, देखिए टेक्स्ट वाले पे आ रहे थे डिसेबल हो जा रहा है, काम कर रहा है ये, लेकिन जैसे पिक्चर वाले पे आ रहे थे हाईलाइट हो जा रहा है ना, क्लिक करिए, जैसे क्लिक करेंगे तो ये पहले फोटो पूछेगा, लेकिन याद रख लीजिएगा कोई भी फॉर्मेट का फोटो रहेगा अप्लाई नहीं हो पाएगा, एक फॉर्मेट आप लोग पढ़े होंगे बिट मैप, याद है बिट मैप किसका नाम है, हाँ बिट मैप किसका पार्ट है ये बता दीजिए आप लोग, आप लोग पढ़े हैं मुझे भी पता है, बिट मैप एमएस पेंट का दूसरा नाम ही क्या होता है, बिट मैप होता है, एमएस पेंट का दूसरा नाम क्या होता है, बिट मैप इमेज होता है, उसी का टाइप बिट मैप है, तो फोटो वही लगेगा जो बिट मैप फॉर्मेट में रहेगा, आ रहा समझे ना। तो अभी हमारे पास कोई ऐसा फोटो नहीं है जो बिट मैप में हो, उसके लिए हम क्या किए, सबसे पहले इसको मिनिमाइज किए, ब्राउजर पे चले गए, और ब्राउजर पे आने के बाद से कोई फोटो सर्च कर, आ रहा समझे ना, वैसे हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं बस लोगो इमेज, क्या सर्च कर लिए, लोगो, अब लोगो में ही इमेज में आकर के कोई लोगो ले लेते हैं, कौन सा ले लिया जाए, हम लोग ये ले लें, राइट क्लिक किए, और राइट क्लिक करने के बाद क्या करेंगे, सेव इमेज एज, और सेव इमेज एज करने के बाद लोकेशन कहाँ दे दी, डेस्कटॉप दे देते हैं, डेस्कटॉप देने के बाद हम उसको क्या कर लिए, सेव कर, यानी कि डाउनलोड नाम से ऑलरेडी है ये पहले से, तो इसका नाम चेंज कर लेते हैं, हम नाम लिख देते हैं क्या, लोगो, किस फॉर्मेट में जा रहा है ये, पीएनजी, लेकिन जो हम फोटो यहाँ पे लगा रहे थे एक्सेस में वो किस फॉर्मेट में समझेगा, बिटमैप बस सपोर्ट करेगा, तो चेंज करना होगा ना, तो चेंज करने के लिए कहाँ जाएंगे, ये आप लोग पढ़े भी होंगे, राइट क्लिक करेंगे,
और राइट क्लिक करने के बाद कहाँ चले जाएंगे, हाँ राइट क्लिक ओपन विथ पेंट हो जाएगा ना। और ओपन विथ जब पेंट में आएंगे तो आपको यहीं पे ऑप्शन दिखाई देगा फाइल, क्या दिखाई देगा, और फाइल में कहाँ आना होगा तो यहीं पे बीएमपी दिखाई दे रहा है। बिट मैप का शॉर्ट नेम क्या होता है, बीएम, तो हम सेलेक्ट कर लिए किसमें, बीएमपी यानी कि बिट मैप में, और इसका लोकेशन दे दिया डेस्कटॉप, देखिए बिट मैप आ गया है ना, डेस्कटॉप पे इसका लोगो वन कर दिए और क्या कर लिए, अब ये बटन के रूप में लग जाएगा ना, हाँ नहीं हो तो आप लोग साइज इसका छोटा भी कर सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है। किसमें सेव करना है, बिट मैप में ही हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें, फोटो सेव हो गया। अब ये फोटो हम इसलिए सेव किए हैं ताकि जब हम कोई बटन लगाए यहां से ऐसे बटन, हम कमांड देते गो टू फर्स्ट, गो टू फर्स्ट के पास क्या कर दिए नेक्स्ट, तो ये वाला आइकन आ रहा है ना, इस पे फोटो लगाना है, तो चले जाएंगे कहाँ पे, डेस्कटॉप, देखिए डेस्कटॉप पे बहुत सारा फोटो था बट दो ही फोटो दिखाई दे रहा है, एक ये लोगो वन और एक आई एम जी, ऐसा क्यों, क्योंकि ये बिटमैप में फॉर्मेट में सपोर्ट करेगा और यही दो फोटो ऐसा जो बिटमैप फॉर्मेट में है, बाकी कोई फोटो बिटमैप में नहीं, तो हम लोग ये वाला सेलेक्ट किए हैं ना, सेलेक्ट किए यहाँ से क्या कर लिए, फोटो यहाँ दिखने लगा, क्योंकि अभी भी फोटो का साइज बड़ा है और आइकन क्या है छोटा है, इसे बस छोटा सा फोटो दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना। नेक्स्ट करेंगे और उसके बाद से क्या कर लेंगे, यहाँ से बड़ा सा बटन दिखाई दे रहा है ना, चलिए इतना ही बड़ा रहने देते, अब हम आ गए किसमें, इतना बड़ा सा बटन दिखाई दे रहा है ना, कितने नंबर के कार्ड पे हम लोग, छह, क्लिक कर दी, कितने नंबर पे लेके आ गया, बटन कैसे बनने समझा रहा है ना, तो अगर हम लोग बटन डिजाइन कर रहे हैं, चलिए फिलहाल तो डिलीट कर दी, बटन लिए, बटन लेके और यहाँ पे अपने अनुसार साइज में क्या कर दिया, ड्रा गो टू फर्स्ट दिए थे ना, नेक्स्ट यही आइकन रख लेते हैं, अब क्योंकि अब कोई भी लगाना तो लग जाएगा ना, हमने सारा तरीका बता दिया, वही टेक्स्ट रखना है फाइंड नेक्स्ट का, फर्स्ट रिकॉर्ड का, अपना नाम रखना है, जो आइकन दिया वो आइकन लगाना है, अपना कोई इमेज लगाना, सब लग जाएगा ना, बट हम आइकन ही रखें और आइकन रखने उस करेंगे नेक्स्ट फिनिश, एक बटन बन गया। अब एक और बटन बना रहे हैं किसके लिए, प्रीवियस के लिए, इसके लिए प्रीवियस, नेक्स्ट, नेक्स्ट और उसके बाद से प्रीवियस के बाद से फिर बनाते हैं नेक्स्ट रिकॉर्ड के लिए, गो टू नेक्स्ट रिकॉर्ड, नेक्स्ट फिनिश, एक और बना लिए बटन कौन सा, गो टू लास्ट रिकॉर्ड, नेक्स्ट, नेक्स्ट और उसके बाद से फिनिश, एक क्रम तरीके से बन रहा है ना, कि बिल्कुल पहले वाले पे लेके आएगा, एक एक पीछे लेकर के आएगा, एक एक आगे लेकर के जाएगा और बिल्कुल लास्ट में लेकर के जाएगा। बस अभी कितना बटन बना है, चार, इसको हम क्या किया गया फॉर्म वाले, तो चार बटन आपको दिख रहा है ना, हो जाएगा ना, हाँ अगर जो हम एक पे हैं यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो नेक्स्ट रिकॉर्ड पे लेके जा रहा है ना, कहीं और क्लिक करने की आवश्यकता पड़ रही है, हाँ अगर हम यहाँ क्लिक कर रहे हैं तो प्रीवियस यानी पीछे लेके आ रहा है ना, और अगर हम यहाँ क्लिक करें तो बिल्कुल लास्ट, और यहाँ कर रहे हैं तो बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें, चलिए इसको फिर से डिजाइन करते हैं। अब क्या डिजाइन करना है, तो बटन तो लगाना है, बटन क्या कर लिए ड्रा, लेकिन ये इस वाले सब लग जाएगा ना, फाइंड करना हो, रिकॉर्ड को ढूंढना हो, नेक्स्ट करिए यहाँ से, नेक्स्ट और फिनिश करिए। अब ये क्या काम करेगा, तो जब इस पे क्लिक करेंगे तो पूछेगा कौन सा रिकॉर्ड आपको ढूंढना है, यही फाइंड का ऑप्शन दे रहा है ना। अब नाम नंबर टाइप कर ले, हम ढूंढ रहे हैं किसका, तो 103 का, नेक्स्ट करिए, 103 का लेके आ गया, हो जाएगा ना,
क्लोज की। अब तो ये बना रहे थे हम लोग कौन सा बटन ड्रॉकर। आप लोग भी ऐसे ही बनाइएगा कि जैसे हम बटन अगर जो ले रहे हैं ना, तो बिल्कुल देखिए बिल्कुल सिंपल सामने हो रहा है बिल्कुल। अब ऐसा नहीं कि 10 इंच ऊपर और 10 इंच नीचे, ऐसे नहीं बना रहा, ऐसा बेहतर दिखाई दे ऐसे बनाइए। हाँ अभी तो हम लोग कौन सा रिकॉर्ड नेविगेशन का इस्तेमाल किए हैं ना, अब हम लोग आ गए रिकॉर्ड ऑपरेशन में। और जब रिकॉर्ड ऑपरेशन में आए हैं तो कह रहा ऐड न्यू रिकॉर्ड, एक नया रिकॉर्ड आपको ऐड करना है। डिलीट रिकॉर्ड, रिकॉर्ड को क्या करना है, डिलीट करना है, डुप्लीकेट। एक अगर जो 103 का बना हुआ है तो 103 का वो सेम एक और बनाना है, तब क्या लेंगे किसी रिकॉर्ड को प्रिंट करना है तब क्या लेंगे प्रिंट। और यदि किसी रिकॉर्ड को सेव करना है तो, और यदि अंडू यानी कि किसके पीछे जाना है तो, दिख रहा है ना। तो सबसे पहला हम ले लेते हैं क्या एड न्यू रिकॉर्ड, यानी पहले नया रिकॉर्ड बनाना हो, नेक्स्ट नेक्स्ट, और उसके बाद से एक बटन बन गया है ना। अगर जो हम यहाँ से बना सकते हैं तो सेव भी तो कर सकते हैं ना। तो अगला दीदी किसके लिए, सेव रिकॉर्ड के, नेक्स्ट, और उसके बाद नेक्स्ट करके फिर हो जाएगा ना। हाँ उसके बाद से एक और ले लेते हैं डिलीट के लिए। यदि कोई रिकॉर्ड हम बना भी दिए हैं और डिलीट करना चाहे तो हम वही क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। इतना लगा बटन बन गया है ना। हम आ गए किसमें, कितना बटन दिखाई दे रहा है, और जितना बना सारा दिखाई दे रहा है ना। तो अभी तक हम लोग फंक्शन समझे थे कि ये वाला जो बटन है वो काम कर रहा है किसका, हाँ एक बिल्कुल फर्स्ट रिकॉर्ड पे आने। उसके बाद वाला जो बटन है ये नेक्स्ट प्रीवियस आ रहा है, उसके आगे वाला एक स्टेप यानी कि एक फॉर्म आगे जा रहा है, नेक्स्ट रिकॉर्ड पे आ रहा है, और अगला वाला बिल्कुल लास्ट वाले रिकॉर्ड पे चला जा रहा है, यानी कि फर्स्ट वाले लास्ट में बिल्कुल। और उसके बाद हम ले रहे हैं ये फाइंड वाला, तो क्लिक करे तो सर्च करने का ऑप्शन दे रहा है, कोई आप ढूंढ सकते हैं। इतना हो जाएगा ना। अब आगे बनाना है न्यू का, सेव का और अगर जो लास्ट वाले पे क्लिक करें तो कितना रिकॉर्ड बनाए हम लोग, पता चले बाद में एक और कोई स्टूडेंट आया नया डेटा बना देंगे। तो उसके लिए फिर हम कहां पे क्लिक करें, ऐड रिकॉर्ड। तो रजिस्ट्रेशन सारा भरने का ऑप्शन आ गया है ना, क्लिक कर लिए। 107 था ना, 108 के बाद से कर दी स्टूडेंट नेम, इसका भर दिया जाए हमारा, बता तुम खड़े हो जाओ पीछे, हाँ खड़े हो, नाम बताओ, राजवर्धन, राजवर्धन सिंह, पिताजी का नाम मीनिंग बताइए, KUNWARBAHATU, टाइटल यही रहेगा ना, एड्रेस रोना ही, बैठ जाइए मोबाइल नंबर ऐसे कुछ टाइप, एडमिशन डेट ले लिए, एडमिशन 15 तारीख को होगा इसी मंथ में, कोर्स ले लिए, कोर्स कौन सा है, एडीसी है, एडीसी ले लेते हैं। अब क्या लगाना है, तो फोटो के लिए इसी पे क्या करना होगा, डबल क्लिक। अब जैसे डबल क्लिक करेंगे तो एड का ऑप्शन आ गया है ना, क्लिक करेंगे और उसके बाद से डेस्कटॉप से कोई फोटो सेलेक्ट कर लेते, यही फोटो ले लेते हैं। और यहां से क्या कर लिए, फिर यहां से क्या करेंगे, तो रिकॉर्ड सारा मेंटेन हो गया है ना। अब देखिए अभी सेव नहीं किए इसको, और हम डाटाबेस पे आ करके ये वाला था ना, कहां तक दिख रहा है, सा अगर हम कितना भी रिफ्रेश कर रहे हैं तो क्या 8 रिकॉर्ड जुड़ रहा है यहाँ पर, लेकिन जो फॉर्म हम बटन बनाए सेव वाला क्लिक कर देंगे तो ये सेव हो जाएगा ना, सेव हो गया है। अब अगर हम इस पे आकर एक बार रिफ्रेश कर दें, देखिए 108 आ गया अपने आप, तो सेव वाला भी बटन काम कर रहा है ना। अब देखिए पता चले हम किसी का ऐसे डेटा टाइप करते हैं,
नंबर टाइप किए, ऐसे कुछ टाइप कर लिया, एड्रेस जो भी डिटेल, कोर्स ले ली, फोटो कोई भी ऐसे लगा, इसको भी क्या कर लिया यहां से, तो ये भी हमारे रिपोर्ट में दिखने लगेगा रिफ्रेश करने के बाद में, दिख रहा है ना। लेकिन ये रिपोर्ट हमको रखना नहीं है, डिलीट कर देना है, तो आप इसको ओपन करिए और यहां से डिलीट क्लिक करिए, क्या कर लेंगे यहां से, यस। अब यहां पे आके एक बार कर लीजिए रिफ्रेश, डेटा हट गया बोला, हो जाएगा ना। तो अभी हम अगर जो फॉर्म में गए हैं, तो फॉर्म में जाने उस डिजाइन व्यू, तो बताएं यदि आप कोई बटन क्रिएट करना चाहते हैं, अब ये बटन थोड़ा सा नीचे देते हैं, तो रिकॉर्ड नेविगेशन और रिकॉर्ड ऑपरेशंस पे सही बताएं। अगला फॉर्म वाले में आ जाइए, कोई फिल्टर अप्लाई करना है, फॉर्म को क्लोज करना है, फॉर्म ओपन करना है, फॉर्म प्रिंट करना है, रिकॉर्ड, ये अगली क्लास में पढ़ेंगे रिकॉर्ड बनाना, क्योंकि हम लोग फॉर्म बनाना ही सिर्फ पढ़े हैं ना, रिकॉर्ड में कोई काम करना है, मेल करना है, रिकॉर्ड को ओपन करना है, किसी का प्रीव्यू चेक करना है, कोई रिपोर्ट प्रिंट करना है, तो हम यहाँ से कर सकते। तो अभी हमने आपको सिर्फ दो ही बताया, आप लोग सारा ट्राई कर ले जाएंगे ना, बस बटन में आपको फंक्शन दे देना है, क्लिक कर वो काम करे, और कैसे काम करे लगभग आप लोग देख ही रहे हैं, हो जाएगा ना। अब इसके बाद से फॉर्म बनने के लिए तैयार है हमारा, फॉर्म बन गया, लेकिन जो फॉर्म कहीं प्रिंट करके देना है, तो क्या इसमें दिखाई दे रहा किस किस संस्था का है या किस कंपनी का, उसका लोगो क्या क्या नाम है, दिखाई दे रहा है, दिखाना तो ये भी है, दिखाना तो वही पड़ेगा ना। तो उसके लिए जब फॉर्म में आएंगे, तो फॉर्म में आने के बाद से आपको आना होगा किसमें, अब डिजाइन व्यू में आने के बाद से आपको यही दिखाई देगा, इंसर्ट इमेज, लोगो, टाइटल, डेट एंड। देखिए इमेज का इस्तेमाल कब करते, सिग्नेचर नाम हम लोग लिख दिए है ना, लेकिन सिग्नेचर का इमेज होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इमेज लगाना तो इंसर्ट इमेज पे जाइए, ब्राउज पे इमेज जहां होगा सेलेक्ट करके ओके करें और ऐसे ड्रा करें, हो जाएगा ना। अब अगर जो आप आ जाएंगे फॉर्म व्यू में, तो यहाँ सिग्नेचर लिखा हुआ और नीचे सिग्नेचर का फोटो दिख जा रहा है ना, क्योंकि सिग्नेचर प्रॉपर नहीं इसलिए पूरा नहीं दिखाई दे रहा, थोड़ा सा दिखाई दे, एरिया मेंटेन कर लेंगे। डिजाइन व्यू ये वाला जो है इसको हम ड्रा करके रख लेते हैं, यहाँ रख लेते हैं, दिखाई देगा यहाँ ना, और इसके साइज थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। अब इसको हम आ गए किसमें, अब दिख रहा है सही ना, कोई दिक्कत इसमें, हाँ। अब अगला हमको टाइटल लगाना है या पहले लोगो लगाना है, तो लोगो पे क्या किए, फोटो पूछ रहा है ना, तो लोगो के रूप में हम दे दिए यही हमारा लोगो है, फोटो दिखने नहीं लगा, यहाँ पर साइज बड़ा करने था, थोड़ा साइज बड़ा हो जाएगा ना। अब आप फॉर्म व्यू में आ जाइए, ऊपर लोगो दिख रहा है लेकिन नाम नहीं है ना, तो नाम के लिए हम क्लिक कर देंगे किस पे, टाइटल पे, तो फॉर्म वन दिखाई दे रहा है ना, इसको हटा के हम अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिख दिए, लेकिन अभी एक लाइन नीचे आ गया है ना, इसके साइज को हम यहां से आगे थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, इधर साइज एक लाइन में आ गया। अब हो सकता है आप इसमें फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, आप लोग एमएस वर्ड में पढ़े होंगे, बोल्ड करना, इटैलिक, टेक्स्ट साइज को बड़ा करना, वो भी काम आपको इसमें करना है, तो या तो आप होम टैब में आ जाइए, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, या तो आप फॉर्मेट टैब में ही आ जाइए, तो भी आपको यहाँ फॉर्मेट का ऑप्शन दिखाई दे, बोल्ड करिए, टेक्स्ट का कलर कर लीजिए, रेड कलर का दिखना चाहिए, हो जाएगा ना। और इसके बाद से हम आ गए किसमें, फॉर्म में, दिखाई दे रहा है, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। तो अगर जो फॉर्म बनाना हो और फॉर्म में रिपोर्ट ऐसे
टाइटल लोगो लगाना, बटन लगाना, तो लगा ले जाएंगे ना, कोई दिक्कत इसमें? हाँ अब ध्यान रखिए, जैसे हम क्रिएट में आए तो क्रिएट में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, फॉर्म वाला हम लोग पढ़े थे, अरे समझे ना। हाँ फॉर्म के बाद हम लोग को जानना है क्या, रिपोर्ट डिजाइन क्या बनाने के लिए। अब रिपोर्ट कब तैयार किया जाता है, काम कर रहे हैं और अचानक ही वो किसी का डेटा मिस्टेक दिख रहा है, एक काम की एक रिपोर्ट तैयार करके दीजिए, देखिए किसका डाटा क्या क्या भरा गया, तो रिपोर्ट तैयार करना होगा ना, तब उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, रिपोर्ट। फिलहाल आज आप लोग जो है ये बटन, टाइटल, टाइटल के बाद से लोगो इतना बना करके आइए, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें? तो आज आप लोग फॉर्म बटन ये सारा क्रिएट कर ले जाएंगे ना। अगर हम इसमें प्रिंट का बटन ही लगाना चाहते हो तो उसके लिए हम चले गए बटन लिए, और जहां बटन देना है वहां क्या कर दिया, ऐसे ड्रा ड्रा करने के बाद से रिकॉर्ड ऑपरेशंस में आ जाइए, यहाँ पे आपको प्रिंट रिकॉर्ड दिखाई दे रहा है ना, या फॉर्म है तो फॉर्म में आ जाइए, प्रिंट ये फॉर्म लीजिए और यहाँ से क्या करिए नेक्स्ट। अब ये पूछ रहा है किसमें लगाना है, हमारे पास फॉर्म कौन सा है, 1 2 3 इतना फॉर्म बना हुआ है ना, हम लोग काम किसमें कर रहे हैं, तो कौन सा ले करेंगे, 1 नेक्स्ट यही चाहिए ना, इमेज ही चाहिए, नेक्स्ट करके फिर और आ जाएंगे किसमें, बटन दिखाई दे रहा है क्लिक करिए, प्रीव्यू नहीं दिखाई दे रहा है, डायरेक्टली किसके लिए कह रहा है, प्रिंट करने के लिए, प्रिंटर लगा होता तो हम प्रिंट कर सकते थे, लेकिन अभी पीडीएफ में सेव तो कर सकते हैं ना, तो जस्ट हम यहाँ से क्या करेंगे के? या एक चीज और समझ लीजिए, यहाँ पे जैसे हम इस बटन पे क्लिक कर रहे हैं ना, तो यह आल पूरा पूरा पेज ही प्रिंट होकर के आया, अरे समझे ना, हम यहाँ से पेज सेलेक्ट कर सकते हैं, बस एक पेज चाहिए, दो पेज चाहिए, एक ही पेज है तो हम आल ही रहने दिए और यहाँ से क्या कर लिए, ओके, लोकेशन कहाँ दे दिए, टाइप कर लिए 9.2 और यहाँ दे दिए एक्सेस फॉर्म, एक्सेस फॉर्म, और यहाँ से क्या कर लिए, चार पेज में था, देखिए अभी इसको मिनिमाइज किए, डेस्कटॉप पे 9.2 एक्सेस फॉर्म के नाम से आ गया है ना, ओपन करिए, आ गया, स्क्रॉल करके नीचे है, दूसरे पेज पे ये है, अगले पेज पर ये है, फिर ये है, दिख जा रहा है ना, हो जाएगा। हाँ लेकिन हाँ याद रखिए, अभी हम लोग क्या बनाया है, फॉर्म बनाया है ना, तो अलग अलग पेज पे आ रहा है, लेकिन ये रिपोर्ट तैयार करेंगे तो एक ही पेज पे सबका डेटा आ जाएगा, अगर ये हम लोग भले से ही 100 बनाए, अगर एक पेज पे 10 आने वाला है तो एक पेज अपने आप 10 आ जाएगा, उनको लाने की आवश्यकता ना, क्लियर है ना। तो फिलहाल आज आप लोग इतना बना करके आइए, लो हो जाएगा ना।